गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम एलएफसीएस ऑनलाइन क्लास। योर स्टूडेंट्स आज को भी है इज गोइंग ऑन फ्रॉम व्हिच लेसन 7 इज बीइंग टॉट टू यू नाउडेज। यस्टरडे आई समराइज दिस लेसन, टुडे वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। यस लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने बेटा आपको बताया था, ये जो पैकिंग का चैप्टर है जीरोम के जीरोम राइटर्स नेम, जीरोम टू जीरोम राइटर्स नेम, राइटर बोस्टेड टू बी एक्सपर्ट इन पैकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल शुड नो राइटर जीरोम के जीरोम along with his two friends planned to make a tour। तीन के तीन लोग बनाते हैं तो कहीं टूर करना होता तो पैकिंग की आवश्यकता होती है। इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज, I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I fail. I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the solution with a readiness that had something uncanny about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. Writer Jerome ke Jerome क्या कहते हैं कि मैं स्वयं पर प्राइड करता हूँ पैकिंग के बारे में। पैकिंग तो बहुत, पैकिंग एक चीज है, उन कई चीजों में से जो महसूस करता हूँ, जो मैं जानता हूँ, काफी अच्छा जानता हूँ किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा। ओके, मैं स्वयं भी सरप्राइज करता हूँ, कितनी बार ऐसी चीजें होती है मैं नहीं करता हूँ। तो वो इम्प्रेस करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं इस फैक्ट्री को, जॉर्ज और हैरिस को कहकर के। तो उनकी बातों को सुन करके उसकी टू फ्रेंड जॉर्ज और जो हैरिस होते हैं ना, प्लेस टुक हिज स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द राइटर इन वेरी सीरियस वे, बात की गंभीर रूप से इसको लेते हैं। आई टोल्ड देम और कहते ठीक है, दे हैड बेटर लीव द होल, हम सभी छोड़ देते हैं पूरा पूरा मैटर तुम्हारे पर, तुम इसको करो। और उसके बाद फिर हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, उसके ऊपर देखकर के पूरा पूरा उस पर ही छोड़ दे। राइटर भी कहता है उस पर छोड़ तो मैं करूंगा, लेकिन उसका मतलब तो मैं करूंगा और लोग हेल्प करेंगे, बट ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस दे फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज, बट जो जार्ज होता है वो पाइप अथवा चिलम कहते हैं पी लेता है और एक इंच चेयर पर आराम से बैठ जाता है। थाइस भी जो है कम नहीं होता है, वो अपने पैर को मेज पर, अपने पैर को मेज पर रखता है और शिगार जला करके पीता है। सेकंड शिगार, दिस वाज, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, आप सभी लोगों को भी कर लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां मैंने हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्लीज यू विल डू इन योर बुक। Here also, second passage, बहुत मुश्किल था, what I intended, जो मैंने सोचा था, intended means मैंने इरादा किया था, I promise, मेरा मतलब क्या था, course that I should boss, अब नहीं कि इस job को मैं boss हूँ, expert person हूँ, ये नहीं था कि Harris और Jazz should quarter about under my directions, कि मतलब उनका ये चीज था,
कि मैं इसकी अगुवाई करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं चार जो है वर्क साथ छोड़ देंगे, दे विल नॉट हेल्प एनीथिंग, कुछ भी हेल्प को नहीं करेंगे, ये तक कि मैं करूंगा और मैं बॉस रहूंगा और ये भी हेल्प करेंगे, मैं उनको समझाऊंगा। मैंने उनको एक साइड कर दिया, ओ यू कि आई लेट मी टू डू, ठीक है मुझे ही करने दो, यू आर सिंपल एंड अब आप पर्याप्त उसके लिए डेली टीचिंग देम एज यू माइट से ऐसा कहते हो कि आप लोगों को सिखाया है आपने, दे आर टेकिंग इट इन द वे दैट इट इरिटेटेड मी, इस चीज से उन्होंने इरिटेट हो जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं, बहुत जाज और टाइज चिढ़ जाते हैं, अरे कुछ भी नहीं है, नथिंग जस्ट इरिटेट मी मोर देन सी अदर पीपल, ये भी चिढ़ जाता है राइटर उन लोगों को जब देखता है कि बैठ करके आराम से चिलम पीते हैं और शिकार, तो ये चिढ़ जाता है कि और दे वर एंजॉयिंग एंड राइटर वाज वर्किंग, दैट वाज पैकिंग द बैग। आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड, कह रहा मैं तो ऐसे आदमी घर में रहता था जो मुझे पागल बना दिया करता था, सोफा बिल्कुल सोफा पर लेटा रहा, मुझे देखता रहा, मैं करता रहा, मुझे देखता रहा। उसने ये भी कहा कि रियल गुड है टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट, जो आप कर रहे हो करते हो अच्छा लग रहा है, अब मैं नहीं उस तरीके से, आई कॉन्ट सीट इस में बैठ नहीं सकता और दूसरे आदमी को देख नहीं सकता, गुलामी करते स्टारिंग वर्किंग, I want to get up and superintended. मैं चाहता था कि आप उठो और superintended and instructed, commanded, फिर command करो। Walk around with my hands in my pockets और pocket में हाथ करके तब टहलो। मैं ये नहीं कहता तुम टहलो कि मैं अकेला करूँगा, आप भी प्रयत्न करोगे। हाँ, मैं इस प्रोडक्ट में ज़्यादा वर्क करूँगा। Tell me what to do, बताओ मुझे क्या करना है। It's my energetic nature. थैंक यू।